यदि आपका प्रोडक्ट, सर्विस, स्टार्टअप या बिजनेस रेडी है और आप उसको लॉन्च करना चाहते हो इफेक्टिवली एक बैंक के साथ में, तो वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज दीपक गौर। आई हेल्प स्टार्टअप, एमएसएमईज एंड मिड कॉर्पोरेट्स इन रेजिंग फंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज कि कैसे आप अपने स्टार्टअप को या आपके प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को या अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो इन 7 स्टेप्स। यस, इन 7 स्टेप्स ओनली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 इज तैयारी, प्रिपरेशन। आपको क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले आपको आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। जस्ट अंडरस्टैंड योर वाई डीपली। आपका क्या कोर इंटेंशन है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के पीछे, उसके लिए आपको वर्क करना बहुत जरूरी है। इन डेप्थ वर्क करना है आपको, क्योंकि इसी कोर इंटेंशन पे आपका कंप्लीट बिजनेस लाए करता है। क्योंकि सी, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, वो हो सकता है कोई और भी तो बना रहा होगा ना। अब वो भी सेम प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है, आप भी सेम प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो, बट आप कैसे डिस्टिंग्विश होगे? उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपकी पर्सनल स्टोरी, आपकी कोर इंटेंशन वर्क करेगी। वो आपको चेंज कर सकती है, वो आपको अलग कर सकती है। कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, आपके टीम मेंबर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को कैसे इंस्पायर कर सकते हो? आपको आपके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स में आपके आपकी टीम हो सकती है, आपके कोर मेंबर हो सकते हैं, आपके एडवाइजर, एडवाइजरी बोर्ड हो सकती है, और आपके यस इन्वेस्टर हो सकते हैं, और आपके वेंडर्स हो सकते हैं। ये आपके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, और आप कैसे इन्हें इंस्पायर करोगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वाई पे काम करो। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने वाई पे वर्क कर लिया, तो आप वर्क नहीं करोगे फिर, मतलब आपके स्टार्टअप में ना आपको मजा आएगा, पैशन के साथ आप काम करोगे, आपको लगेगा यार मींस टायरलेस, आई डोंट हैव वर्ड राइट, बिकॉज जैसे ही आपका वाई क्लियर हुआ ना, एक आपका माइंड अबंडेंट माइंड हो जाएगा, आपको फिर कंपटीशन से बाहर आ जाओगे, आपको लगेगा ऐसे एवरीथिंग इज कोलैबोरेटिव, आप सबके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश करोगे। नंबर 2 इज लॉन्च विद डेटा, नॉट ऑन अजम्पशंस। होता क्या है कि आपको अपना प्रोडक्ट, सर्विस, स्टार्टअप या बिजनेस लॉन्च करना है, और आपने मार्केट रिसर्च की और उसको लॉन्च कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में आएगा, जैसे ही लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक आइडिया मार्केट में आएगा और मार्केट से वो लोगों की लाइफ में जाएगा, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहोगे कि लोगों की लाइफ को वो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर दे, जिससे कि जो भी अभी तक आपने वर्क किया है राइट, वो सारा वेस्ट हो जाए राइट। जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है जिस राइट, वो सब वेस्ट हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बेटर है कि आप अजम्पशंस पे लॉन्च ना करें, आप डेटा पे लॉन्च करें। अब क्योंकि अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि दीपक डेटा पे तो हम करेंगे, बट अभी तो मैं नया स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन आपको बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे, आप उनसे कॉल कीजिए, 1-to-1 डिस्कशन कीजिए, सॉरी, या फिर आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है और कोविड में आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं वो भी बहुत जरूरी है राइट। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे पूछिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए कि आपने मेरा प्रोडक्ट यूज किया कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो उस पर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, और उस फीडबैक को आप उसमें इनकल्केट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, जो आपका प्रोडक्ट है राइट, उसको आपके नेटवर्क में, आपके फैमिली में और आपके रिलेटिव्स में डिस्कस कर सकते हो। उसको मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उसको यूज करने के लिए दे सकते हो, और फिर उनका एक फीडबैक ले सकते हो, उस फीडबैक को आप उसमें इनकल्केट कर सकते हो। आप सर्वेज कर सकते हो, सर्वे के लिए बहुत से 2 प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 इज गूगल फॉर्म्स, एंड नंबर 2 इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम, टाइपफॉर्म। यस, और भी बहुत सारे सर्वे टूल हो सकते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। और नंबर 3 इज बिल्डिंग द कम्युनिटी। आपको क्योंकि जैसे ही आप लॉन्च करोगे उसको, जो लॉन्च डे होगा, जरूरी नहीं है उस दिन आपके पास बैंक के लिए बहुत सारे लोग हों,
तो बेटर है कि आप अपनी कम्युनिटी पहले ही बनाना स्टार्ट कर दें, राइट। 2-3 महीने पहले ही आप लोगों से डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो। आप फेसबुक ग्रुप बना सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, आप लिंक्डइन ग्रुप बना सकते हो, आप ट्विटर पे एंगेज रह सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे एंगेज रह सकते हो। वहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीट आइडिया दे दो उनको कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। टीजर, एक टीजर उनको दे सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। मीन्स वो आपके उस सर्कल में आना स्टार्ट कर दें जो आपका स्टार्टअप है, राइट। और नंबर फोर्थ इज बिजनेस प्लानिंग, कि आप की क्या प्लानिंग है बिजनेस की आज से 18 से 24 महीने बाद की, या 36 मंथ बाद की। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लॉन्च कर रहे हो, ऐसा ना हो कि मेरे पास आगे कुछ करने के लिए नहीं है, आगे मैं उसको अपडेशन करने के लिए नहीं है, या मैं ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो इसमें डाउनफॉल आ जाए, तो आप पिवट नहीं कर सकते, राइट। तो वो बहुत जरूरी है आपके एक रोड मैप क्लियर होना, कि आज से और 18 से 24 महीने या 36 महीने तक का रोड मैप क्लियर होना जरूरी, कि आप क्या क्या उसमें कर सकते हो। और नंबर फिफ्थ इज डिफाइन योर स्ट्रक्चर। बिजनेस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आप अपने सीए के साथ बैठ सकते हो, आप अपने लीगल एडवाइजर के साथ बैठ सकते हो, आप कंसल्टेंट्स के साथ बैठ सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि कैसे मैं अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करूं। या जैसे कि आपको बिजनेस के जब स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, तो उसमें आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखनी है, आपको एलएलपी रखनी है, या आपको लिमिटेड कंपनी रखनी है। तो वो जरूरी है कि आपके रोड मैप पे डिपेंड करेगा कि आपको जाना कहाँ है, आज कहाँ हो और जाना कहाँ है, वो उस पर डिपेंड करेगा, और कितने टाइम में जाना है, राइट। तो वो आपका हो जाएगा, तो उसमें आपने एक एक रोड मैप क्लियर हो गया आपका, तो जर्नी आसान हो जाएगी। एंड नंबर सिक्स इज मनी। हाउ मच मनी यू रिक्वायर्ड फॉर लॉन्च इवेंट, राइट। जिस दिन लॉन्च है उस दिन कितना इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है, क्योंकि लॉन्च जब होगा तो उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट आ सकती है, उसमें पीआर की कॉस्ट आ सकती है, और जो भी कॉस्ट उसमें आनी है, लाइक आपको होर्डिंग्स कहीं पे यूज करने हैं, कहीं पे आपको सेमिनार कंडक्ट करना है, तो उसकी कॉस्ट। यस, नंबर सेवन इज लॉन्च इवेंट। जिस दिन आपका लॉन्च है, ये है सेलिब्रेशन का दिन। इस दिन करेंगे, इस दिन करना चाहिए आपको फुल फुल ऑन विद बैंग, मतलब पूरा वायरल हो जाए कि हाँ आज ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये बिजनेस, ये स्टार्टअप मिस्टर एक्स का लॉन्च हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले कमिंग सून आपने आपको एक पेज बनाना आपकी वेबसाइट पे, उस पे आप एक टीजर दे दो, और जिस दिन लॉन्च हो उस दिन आपकी वेबसाइट भी लॉन्च होनी चाहिए विद ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस और बिजनेस और स्टार्टअप, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू से। और उस दिन आप मीडिया को इनवाइट कर सकते हो, आप पीआर कर सकते हो, आप प्रिंट मीडिया का यूज कर सकते हो, आप डिजिटल मीडिया का यूज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, हर जगह जहां जहां आप स्प्रेड कर सकते हो इस न्यूज को, स्प्रेड कर दो। इस मीन्स मेरा मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये आपका स्टार्टअप या सर्विस या प्रोडक्ट बैंक के साथ लॉन्च होना चाहिए, उस दिन कोई इम्पैक्ट आना चाहिए, उस दिन आप सेमिनार कर सकते हो, राइट। उस दिन आप वेबिनार कर सकते हो, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड, राइट। सो दैट्स इट अबाउट इट। मैंने आपको 7 स्टेप्स इसमें बताए हैं। नंबर वन, तैयारी प्रिपरेशन आपको करनी है। नंबर टू, आपको लॉन्च करना है डेटा के साथ में, अजम्पशंस के साथ में नहीं। आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वो आप पहले बिल्ड कर लो। बिजनेस प्लानिंग आपको करनी है 18 से 24 महीने या 36 महीने की। आपको बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, आपको कितना मनी रिक्वायर्ड है आपको वो करना है, आपको लॉन्च इवेंट पे क्या क्या करना है वो आपको प्री फ्रेम करके रखना है, प्री प्लान करके रखना है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड ट्रस्ट मी, यदि आपने ये सेम प्रोसेस में कर लिया, सेम स्टेप्स में कर लिया, कोई नहीं रोक सकता दोस्त आपको, आपके स्टार्टअप को, बिजनेस को, प्रोडक्ट को या सर्विस को बैंग होने से, लॉन्च होने से, और इफेक्टिवली लॉन्च होने से। उस दिन आपके सेल्स भी होंगे, उस दिन आपका प्रमोशन भी होगा, और उस दिन कुछ ना कुछ इस प्लेनेट पे, इस यूनिवर्स में आप डेंट जरूर डालोगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच,
हैप्पी फंडिंग, स्टे फंडेड, हैप्पी फंडिंग, बाय।